और आप देख रहे हैं अच्छा तो यार जो आज की वीडियो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं बात कुछ ऐसी है कि मैंने किसी का इंस्टाग्राम हैक कर दिया है। मैं सही बोला, टाइप ऑफ हैक किया है मैंने, ठीक है ना। मैं बता दूँ, पहले पूरी बात बता दूँ तुम कैसे हैक नहीं किया है। एक ट्रिक से उसका अकाउंट का पासवर्ड पूछा है, जो कि अब मैंने कब का लॉग आउट भी कर चुका हूँ, और उसने मैंने बता दिया कि ये था, और उसने अकाउंट का पासवर्ड चेंज भी कर दिया कब का, एंड मेरे पास अब अकाउंट नहीं है। मैं आपको प्रूफ दे दूँगा सर, ठीक है ना। तो मैं बता दूँ कैसे किया मैंने। तो यार सबसे पहले मैं लैपटॉप पर बैठा हुआ था और मैंने कहा कि क्या ही मज़ा होगा कि किसी के इंस्टाग्राम का पासवर्ड मुझे पता लग जाए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक अपना फेक अकाउंट बनाया ऑनलाइन स्टफ्स के नाम से, जिसके अंदर मैंने कहा कि मैं टाइपिंग जॉब्स के लिए लोग ढूंढ रहा हूँ। उधर काफ़ी सारे लोग आए, ठीक है ना। अब जिन लोगों ने मुझे मैसेज किया ना, ठीक है, सब लोग ऐसे कि भाई मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैंने आपसे जॉब करनी है, ठीक है। उनको मैं अपने बारे में कुछ नहीं बताया था, मैंने कहा था कि मुझे एक बंदा चाहिए टाइपिंग जॉब के लिए, इतने पैसे दे दूंगा, ठीक है ना। तो लोग कहते काफ़ी सारे लोग हैं और सब कहते भाई मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ। सबसे पहले तो मैंने उनके साथ मतलब कि काफ़ी मैंने उनको तसल्ली दी कि भाई ये रियल है, और ये मैंने काफ़ी चीज़ें उनको बताई, ठीक है। और तो यार उसके बाद से मैंने उनसे कहा कि यार अगर आपने जॉब करनी तो उसके लिए मुझे एक फॉर्म देना पड़ेगा आप लोग को, आपको वो फिल करना पड़ेगा। वो जो फॉर्म था उसके अंदर मैंने एक मैसेज लिखा, ठीक है ना, फेक। मैं सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता था कि लोग मुझे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का पासवर्ड या और जीमेल का पासवर्ड देते हैं कि नहीं देते। तो मैंने ट्रिक ये यूज़ की कि मैंने ये जो आप देख रहे हैं ना मैसेज, मैंने ये लिख दिया और मैंने कहा ये हमारे मैनेजर ने दिया आपको, ठीक है ना, ये अपना जीमेल का पासवर्ड बता दें, जीमेल बता दें, ताकि मैं आपको वेरीफाई करूं और फिर मैं आपको साथ ना जॉब एंटर करूं। तो काफ़ी सारे लोग थे वो कह रहे थे कि ये फेक है, मुझे पता है स्कैम है, उन्होंने तो पहले ही पीछे हट गए। दो तीन कुछ ऐसे लोग थे जो मान गए और उन लोगों ने एक्चुअली मुझे अपना जीमेल का पासवर्ड दे दिया। सबसे पहले तो जीमेल का पासवर्ड दिया उन लोगों ने मुझे, ठीक है ना। जीमेल का पासवर्ड मुझे जैसे ही बच रहा ना, मैंने ट्राई किया लॉगिन करने के लिए, तो अब गूगल कह रहा था कि वेरिफिकेशन चाहिए उसके लिए। उसके फ़ोन में आया कि मतलब एक ऑप्शन आती है ना उसके फ़ोन में कि आप लॉगिन करें इस फ़ोन से या नहीं। तो मैंने उसको पहले का बताया हुआ था बंदे को कि आपने यस दबाना है, जो मर्जी हो जाए, ठीक है ना। अब वो बंदा मतलब कि 19 ईयर्स का था, तो मैंने कहा ठीक है भाई मैं यस दबा दूंगा, कोई मसला नहीं है। तो मैंने वहाँ से अकाउंट खोलने की कोशिश की, यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए उसके फ़ोन में आया कि आपका अकाउंट कोई और खोल रहे तो ये आप ही हैं। तो उसने यस दबा दिया, मैं उसके अकाउंट के अंदर चला गया। अच्छा पहली बात तो ये, अच्छा मैं पहले तो मैं सबके अकाउंट लॉग आउट कर दी, क्योंकि जाहिर बात है सबके पर्सनल होते हैं, ठीक है ना। अच्छी बात नहीं है ऐसे किसी अकाउंट में ऐसे मतलब कि ख़ुद से ले लूँ, ठीक है। तो काफ़ी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी इसके पास, मैसेजेस होंगे, वो मैंने प्रॉमिस करते मैंने नहीं पढ़े, ठीक है। एक मैसेज उनका नहीं पढ़ा, खोला अकाउंट मैंने उनका, और बस मैंने चल गया कि मैंने खोल दिया, फिर मैंने उनको बता दिया। अच्छा उसके बाद मैंने क्या किया, उन्होंने यस दबाया। उसके बाद मैंने कहा कि यार आप में काम तो कर लिए, मैंने को एक छोटा मोटा काम भेज दिया, उन्होंने वो किया। आपको सब मैसेज इधर आ रहे होंगे, ठीक है ना। उनको मैंने कहा कि भाई अब ये है तो अब आपको मैंने पेमेंट भेजनी है, तो आप काम करें अपना ना जो इंस्टा नहीं है उसका पासवर्ड और वो भेजते हैं, मतलब कि पासवर्ड और यूज़र नेम भेजते हैं। तो उस बंदे ने अपना इंस्टाग्राम पासवर्ड याद नहीं था, तो उसको मैंने कहा कि यार आप कहीं से भी अपना फॉरगॉट पासवर्ड में जाके अपना पासवर्ड चेंज कर दो और पासवर्ड मुझे बता दो। मैंने क्लियर ये कह दिया कि पासवर्ड मुझे बता दो, और उस बंद और मुझे नहीं पता था कि यहाँ तक भी लोग कह देंगे, मतलब कि कहीं अगर मैं होता तो कभी पासवर्ड नहीं देता, ठीक है। तो मुझे नहीं पता था कि अभी लोग यहाँ तक भी यकीन कर लेंगे। उससे मुझे अपना इंस्टा का पासवर्ड चेंज करके वो पासवर्ड भी बता दिया, यूज़र नेम भी बता दिया। मैं आपको उसका अकाउंट यहाँ पर खोल के दिखा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा ऊपर यूज़र नेम शायद ब्लर करती हूँ, देखता हूँ क्या करूँ, ठीक है ना, ताकि उसकी पर्सनल मतलब की चीज़ें मतलब शेयर ना हो, ठीक है। उसके अकाउंट प्राइवेट था वैसे भी। तो वो मैंने ऐसे लॉगिन किया ना, और उसके बाद मैंने लॉगिन किया एंड उसने मुझे लिटरली सब कुछ बता दिया अपना पासवर्ड लेके। अब देखें कि एक टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट मैंने किया, ठीक है ना। कोई भी ऐसी जॉब नहीं होती फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपसे आपका इंस्टा का पासवर्ड मांगे, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको जीमेल का पासवर्ड मांगे, ठीक है ना। इस तरह की कोई जॉब हो ही नहीं सकती, ठीक है। मैंने और उसने सब कुछ मुझे बता दिया अपना जीमेल का पास। अब सोचे अगर मैं ना होता, अगर कोई और बंदा होता,
तो उसके अकाउंट के साथ क्या कुछ नहीं कर सकता था, मतलब डिलीट करके, फोटोज डिलीट करके, लोगों को मैसेज करके, जीमेल में पता नहीं क्या कुछ कर सकता था, बहुत कुछ हो सकता था। लेकिन खैर उसको मैंने बता दिया कि सब फेक है और ये सब रियल नहीं है, और मैंने आपका अकाउंट मतलब कि अकाउंट लॉग आउट कर दिया है और आप पासवर्ड चेंज करें अपना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बता दिया था कि इस तरह क्या, इस तरह अवेयर है, ठीक है। मेरा बैठा हुआ था नॉर्मल, मेरा प्लान था, मेरा प्लान था वीडियो बनाने का, लेकिन मैंने कहा कि इसकी वीडियो बन जानी चाहिए तो अच्छी बात है, ठीक है। तो उससे पहले वो बता दूँ यार कि इस तरह की कोई मतलब कोई भी चीज़ नहीं होती, कोई भी आपके कोई जॉब, आप किसी जॉब के लिए भी जाएंगे ना, आप गूगल में भी जॉब करने के लिए जाएंगे ना, आपको आपसे पासवर्ड, पासवर्ड कब कोई भी नहीं पूछेगा, मतलब पासवर्ड का कोई काम ही नहीं आपकी जॉब से, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आपका आपका ईमेल पूछ लेंगे और बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछते। तो किसी को अपना पासवर्ड इस तरह ना देना, ठीक है ना। और काफ़ी दफ़ा मुझे भी इस तरह के मैसेज आए हुए हैं कि जॉब है तो पासवर्ड दें, इंस्टा का पासवर्ड दे दें, जीमेल का पासवर्ड दे दें। तो शुक्र है मुझे पहले का हफ्ता था तो मैंने कभी नहीं दिया पासवर्ड, और आप भी किसी को यार पासवर्ड ना देना, आपके जीमेल या ईमेल के साथ बहुत कुछ हो सकता है, मतलब लिटरली आपकी सारी पर्सनल डीप डीप इंफॉर्मेशन तक उनको पता लग सकती है। तो यस।